नॉर्मल इंसान को मौत से डर लगता है बट देन यू हैव द मिलिट्री पीपल आर्मी पीपल नेवी एंड ऑल दोज पीपल जो लोग देश के लिए जान देने तक को भी तैयार हो जाते हैं तो हाउ इज दिस माइंड सेट डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल सिविलियन माइंड सेट जिसके लिए लाइक like, मतलब यू नो वो लाइफ एक बहुत ही पीशियस चीज़ है बट यहां पर The, आप अपनी लाइफ को गवा देते हो तो वो प्रीशियस बन जाता है समथिंग दैट सॉर्ट ऑफ तो क्या परस्पेक्टिव है क्या training, क्या ट्रेनिंग ट्रेनिंग कराया जाता है इस माइंड के लिए इन इन द द मिलिट्री कि कैसे क्या नहीं सही बात है बिकॉज यू नो लाइक जब हम आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं वी आर लाइक एनी अदर यू नो ट के बाद अगर आप ज्वाइन करते हो तो लाइक एनी अदर यंगस्टर एटीन नाइनटीन ईयर्स ओल्ड वाले एंड अगर आप फिर ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन करते हो तो थोड़ा मच्योर बट स्टिल यू आर दैट रॉ इंडिविजुअल जिसको yes. मौत से डर लगता है यू नो ऑफ जब हम अकेडमी जाते हैं दिस इज द रोल ऑफ अकेडमी नेशनल डिफेंस अकेडमी एनडीए आई एम ए इंडियन मिलिट्री अकेडमी आई एन ए इंडियन नेवल अकेडमी एन एफ एंड इंडियन एयरफोर्स अकेडमी प्लस वी हैव ट्रेनिंग दर मैन ऑफिसर्स के लिए ये सारे हो गए hmm. जो हमारे जवान सोल्जर्स एयरमैन होते हैं उनका ट्रेनिंग के लिए उनकी अकेडमी होती है यू you नो know? hmm. सारा जो श्रेय है आई वुड गिव इट टू अकेडमी बिकॉज आप अकेडमी में जाते हो आपको एक अलग ही चेंज यू जब आप, भी भी you go, you like, न, जब आप पहला जाते हो फर्स्ट डे वेन यू गो यू आर लाइक सला करके ना जब आप धीरे धीरे इज इज अ अ सिस्टम सिस्टम आपके छह महीने सीनियर होंगे ऐसे तीन साल तक सीनियर लोग होते हैं वहां पे वेन यू गो इन दी एंड थ्रू आउट आपका जो इमीडिएट वाला होगा छ महीना सीनियर उसका छह महीने थ्रू आउट जो अकेडमी की ट्रेनिंग है यू हैव बीन कंडीशन दैट वे कि थिंग एव जैसे जो चेतपोर्ट का मोटो इट जो है से इसकी कंट्री इज अबाउ यू नो कंट्री कम्स फर्स्ट इस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग देन कम दीपुल हुम यू कमांड एज एन ऑफिसर मेरी अंडर अगर यू नो मैन एंड वुमन बी अंडर मी दे कम्स सेकेंड थर्ड कम योर फैमिल एंड द कंफर्ट ऑफ योर सेल्फ सो hmm. so, आपका अगर इथोजी वो लाइन पे चल रहा है एंड एंड देन यू आर सीइंग डे डे इन आउट पीपल जब हम लंच पे पे जा रहे, ah. पे जा रहे रहे हैं हैं ब्रेकफास्ट अगर आपके मेस में भी वही है आपके स्क्वाड्रन में भी वही है इट इज फुल्ली आपको नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज uh, पे ये करते हैं कि okay. देश से बड़ा कुछ नहीं करके नेशन फर्स्ट एंड ऑलवेज एंड ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी एनी वन हु कम्स इन वो जब निकलता है अकेडमी के बाहर ही इज ऑलवेज दैट कि ना मैं मार कैसे होता Changed है person. पहले हम मूवीज में देखते हैं ना कि ah. देश के लिए मर मिटेंगे मर हाँ, मिटेंगे बोलते थे यू नो लाइक आर अकेडमी चेंज दैट पर्सपेक्टिव एकेडमी ने हमको ये सिखाया कि देश के लिए मार मिटेंगे क्रिकेट यू विल किल एनी बडी फॉर योर कंट्री एंड इन दैट प्रोसेस इफ यू डाई फाइन दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस थिंग तो मौत का खौफ

देर आर सेटअप फौज का सेटअप ही वैसा है कि एवरी वन इजन तो इसलिए मौत से नहीं डरते इसलिए आई वुर उसके इंटरव्यू में उसने कहा था कि वो जो टेररिस्ट या जो भी है उनको मालूम नहीं है कि हम कितने बड़े हरामी हैं करके हम कितने <laughs> बड़े टेररिस्ट हैंड एंड वी टेक इट इन आर हैंडरी वुड भी डिफरेंट तो ये आइडियोलॉजीबली ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी जब जब वो फर्स्ट टाइम बताया गया था कि ऑपरेशन तलवार में जाता है उसकी सीरियसनेस क्या आपने को तो नहीं पता इक्कीस बाईस साल के बच्चे लड़के थे mm -hmm. पहला इमोशन आज भी फियर होता है पहला इमोशन फर्स्ट इमोशन इज फियर यू नो लाइक सडनली आपको वॉर में जाना, में जाना।, जाना। तो पहला फियर एंड ट्रू फॉर एवरी वन बट दैट इज फॉर अ मोमेंट पांच मिनट मैक्सा लगता है उसके बाद यूफोरिया टेक ओवर कर जाता है ah, यार Italy, इसी, Italy. इसी के लिए तो हाँ इसी के लिए यूनिफॉर्म पहने करके टाइम पास करने थोड़ी <laughs> ना है इट इजलाइक एनी अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन दी वर्ल्ड वेर यू आर नर्चर्ड बाई यू आर इमीडिएट सीनियर जो आपके छः महीने से अगर आप उन्नीस साल के होंगे तो साढ़े उन्नीस साल का वो लड़का होगा जो आपको ट्रेन करता होगा okay. उसके ऊपर फिर जो बीस साल फिर इक्कीस साल वाले होंगे सो थ्रू आउट दैट थ्री फोर ईयर्स का जो गैप होता है एवरी टाइम यू आर ड्रिल्ड कंट्री 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 कम फर्स्ट करके मेरा देश मेरा ये ग्लोरीज स्टोरीज ऑफ हीरोज एंड यू नो एंड एवरी वन हीरोन आई से इट्स इंक्लूसिव मैन एंड वुमेन बोथ हुए फॉर दिस कंट्री सो जी yes, right, right. में कन्फॉर्मिटी करके एक बहुत ही पावरफुल चीज होती है कि लाइक जो भी हम आस पास हमारा सराउंडिंग है हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम जो सुन रहे हैं हम जो देख रहे हैं तो वो सारी चीजों का सबकॉन्शियसली हम पर बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रायरिटी पूरा सिस्टम ही बन गया है कि लाइक कंट्री फर्स्ट बिफोर फैमिली इज वैली एक्जैक्ट सो एंड देन कॉन्स्टेंटली वेन यूर सींगट बी प्लेड इन कॉन्स्टेंटली यूर लिसनिंग टू द स्टोरीज करेक्ट